हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है, आज निकलना है दिल्ली के लिए और सुबह के 6 बज रहे हैं। गीजर ऑन कर लेते हैं, नहाएंगे और नहा के फिर निकलेंगे। तो ट्रेन 7:28 की थी, लोगों ने लेट कर दिया है, देखते हैं हमें ट्रेन मिल पाती है कि नहीं। अभी मैं मम्मी किचन में लगी हुई है, ये नहीं कि जल्दी चलें। जल्दी चलिए, टाइम हो गया, टाइम हो गया, जल्दी चलो। 7:45 हो गए यहीं पर, तो ट्रेन नहीं छूटी है, एकदम 1 सेकंड पहले पहुंचे हैं। जल्दी बढ़ते हैं आगे, आने ही वाली है, बहुत लेट हो गए थे। अभी अनाउंसमेंट हो रही है, खुशी हो रही है कि ट्रेन मिल रही है, नहीं तो आज तो लगा था कि ट्रेन जो है छूट ही जाएगी। अभी मैंने दौड़ा दिया, जल्दी जल्दी आज तो ट्रेन छूट ही जाती। बहुत खुशी हो रही है कि ट्रेन जो है आज नहीं छूटी। बहुत मैं जो है कोशिश किया, तेज़ चलाया। ये लोग लेट किए, पीछे जो आ रहे हैं देख रहे हैं आप लोग, दोनों यही दोनों लेट किए हैं। वो तो पता ही था, इसमें कौन सी बात है। हाँ वो तो हमें पहले से नहीं पता था। ये तो पता चलता जो अंदर रिकॉर्ड हुआ होता कार के अंदर, पापा जो बोले थे तब तुम्हें पता लगता। तो मम्मी है, इनका मन नहीं करता स्टेशन पे बैठने का, इसीलिए लेट चलती हैं हमेशा। अभी एंजॉय कर रही हैं देखिए, और मात्र 2 मिनट भी नहीं होंगे बैठे ही थे, ट्रेन आ गई। जनरली क्या होता है कि ट्रेन जो है लेट रहती है, लेकिन आज पता नहीं कैसे टाइम से आ गई। तो बैठ गए, बैठते ही ट्रेन खुल गई और यहाँ हंसी मजाक चल रहा है। मम्मी हंस रही हैं कि और लेट आऊंगी अब से, तो ऐसे ही ट्रेन पकड़ना है। 5 मिनट हमें बैठना पड़ा कि नहीं, इस बात पे हो रही है कि 5 मिनट बैठना पड़ गया। अब ऐसा चल रहा है कि ट्रेन जो है सिर्फ उठ के पकड़े हैं। तो मथुरा आ गए हैं, यही डिस्कशन चल रहा था कि बरसाने की होली देखने के लिए बरसाना चलेंगे होली के टाइम पे। बता रही मम्मी बहुत भीड़ होती है तो जाना मुश्किल हो जाएगा, कार वगैरह जाने नहीं देते। फिर भी इस बार कोशिश करेंगे कि बरसाना की होली दिखा पाऊँ आप लोगों को। दोस्तों हम लोग टाइम से पहुंच गए हैं निज़ामुद्दीन, अब जो है निकलना है और चलना है मामा के यहाँ। चलिए चलते हैं, इस बार सोच रहे हैं थोड़ा ट्रेवल को एक्साइटिंग बनाने के लिए बस से चलें, पता करें कि बस का रूट क्या है। देखते हैं सब लोग अगर एग्री करेंगे तो दिल्ली का बस सफ़र भी कर लेंगे, और महिलाओं के लिए सुना है कि बस जो है फ्री चलती है। तो बैठ गए कैब में, कोई तैयार नहीं हुआ बस से चलने के लिए। बस में 40 रुपये में मैं पहुंचा देता, लेकिन माने ही नहीं ये लोग। दोस्तों जब मैं पहली बार दिल्ली आया था तो मुझे लगा बहुत ही पॉश होगा ये वो, 12वीं क्लास में था मैं तब, और लगता था कि यहाँ हीरो हीरोइन घूमते होंगे, जाते ही मिल जाएंगे, फ़ोटो खिंचवाऊँगा ये वो। जैसे ही मैं निज़ामुद्दीन स्टेशन से उतरा वैसे ही मुझे लगा, पता चल गया कि सारी जगह एक जैसी होती हैं, सब लोग एक जैसे ही हैं, कोई फर्क नहीं है। गाड़ी नहीं आई गली में, इसलिए पैदल जाना पड़ रहा है। लोग तो आराम से जा रहे हैं, वो बेचारा ढोते हुए जा रहा है। देखिए पहुंच गए फाइनली, तो लिफ्ट में सारे लोग नहीं आ पाते, इसलिए जो है दो लोग बाहर ही रह गए हैं। दोस्तों नाना नानी मामा के पास आ गए हैं वापस दिल्ली में, और लिफ्ट से दो लोग बाद में आते हुए। गर्मी लगता नानी तो ब्लू चूड़ी पहनी, लाल चूड़ी अब नानू कर दे। नानी रिस्क को आइडिया दे रही हैं। नानी ने मुझे बताया कि शिव जी पे तुम पानी चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, तो तुम्हारे जीवन में बहुत रुपए आएंगे। तो दूध क्यों नहीं, पानी क्यों? अब नानी नानी जाने, अब नानी को बताए कि पानी क्यों, दूध क्यों।
दूध चढ़ाएं कि पानी चढ़ाएं शंकर जी पर? दूध की पानी दूध चढ़ाएं कच्चा दूध। अब नानी बता रही है कच्चा दूध चढ़ाने के लिए तभी पैसे आएंगे, तभी पैसे आएंगे। दोस्तों 3 साल हो गए, कोई प्रमोशन नहीं, कोई इंक्रीमेंट नहीं। अब दूध चढ़ा के इंक्रीमेंट प्रमोशन दूध चढ़ा के ही होगा कुछ। मम्मी और मामा जो है धाम के ऊपर डिस्कस कर रहे थे ढेर सारे कौन कौन से धाम कवर कर रहे हैं, तो उसी पे मामा जो है अमरनाथ यात्रा जो सबसे यूनिक और कठिन यात्रा है मामा ने वो भी कवर कर ली है। मामा उसी का एक्सपीरियंस बता रहे थे, तो कैसा था मामा अमरनाथ यात्रा? अमरनाथ यात्रा मैं 1998 में मतलब किया था और बालटाल के रास्ते से किया था, आर्मी बेस कैंप में रुका था और वहाँ से नाइट हाल्ट हम लोग बालटाल में किए थे। बालटाल से बोला गया था कि आप सुबह में यहाँ से अमरनाथ यात्रा शुरू करेंगे और किसी भी सूरत में रात्रि 10 बजे तक आप वापस आ जाएंगे बेस कैंप में। तो वहाँ से हम लोग आर्मी बेस कैंप से पैदल यात्रा शुरू किए थे और मौसम भी ख़राब था, रास्ता भी थोड़ा ठीक नहीं था, चढ़ाई काफ़ी था, ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही थी और फिर हम लोग किसी तरह से अमरनाथ पहुंच गए। अमरनाथ पहुंचने के बाद वहां मौसम खुला हुआ था, अमरनाथ वहां हम लोगों ने स्नान भी किया था और स्नान करने के बाद दर्शन किया वहां हो गए से अगरबत्ती वगैरह नारियल वगैरह अगरबत्ती जलाने नहीं दे रहे थे वहाँ। तो अमरनाथ मतलब समतल पहाड़ पे नहीं, केव में गुफा के अंदर। और कितनी ऊंची चढ़ाई होती है? कितनी ऊंची चढ़ाई ज़्यादा ही है, मुझे लगता है 10,000 मीटर वगैरह होगा इस तरह से। 8,000 मीटर तो माउंट एवरेस्ट है? नहीं तो 10,000 फीट होगा करीब। अच्छा, 10,000 फीट से ऊपर ही होगा। और ये जम्मू कश्मीर से होती है यात्रा, कहाँ से? यात्रा का दो रास्ता होता है, एक पहलगाम होकर होता है और दूसरा श्रीनगर से बालटाल होकर होता है। पहलगाम वाले रास्ते में समय ज़्यादा लगता है और बालटाल वाले रास्ते में बालटाल तक हम लोग बस से यात्रा कर लिए थे और बालटाल से पैदल की चढ़ाई होती थी। तो हम लोगों को चूँकि आर्मी बेस कैंप में रुकना था इसलिए हमें हमारा परमिशन बालटाल होकर था। तो मतलब ऊपर लोग जाते हैं तो खाना पीना कुछ मिलता है? रास्ते में मिलता है खाना पीना और कुछ धर्मार्थ संस्थाएँ हैं जो खाना पीना का प्रबंध करती रहती हैं, और नहीं तो रास्ते में उस वक्त मिल रहा था फ्रूटी वगैरह भी मिल रहा था। जब ऑक्सीजन की कमी है तो फिर वहाँ लोग बसे नहीं होंगे, रास्ते में ही होंगे? नहीं, वहाँ क्या स्थानीय लोगों का कोई कोई गांव दिख रहा था काफ़ी दूर में, वो साल भर में वो काम करते हैं और अपने गांव में ही रहते हैं और ज़्यादातर वो बकरी चराने वाले लोग थे, मतलब जो चरवाहे लोग वही लोग घूमते हुए नज़र आ रहे थे। और मौसम चूँकि जुलाई महीने में हम लोग गए थे तो उस वक्त मौसम थोड़ा खुला होता है तो चरवाहे ऊपर पहाड़ों की तरफ जाते हैं, सर्दियों में नीचे उतर जाते हैं। तो मतलब आजकल के बच्चे तो इतने फिट हैं नहीं, तो कितने फिट? इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगता है? हम लोगों का मेडिकल सर्टिफिकेट उस वक्त हमने डॉक्टर से लेकर जमा करा। मतलब कैसे फिट आदमी चाहिए, मतलब उठने से नहीं, मतलब फिटनेस का मतलब है कि उस व्यक्ति को सांस की तकलीफ नहीं हो कम से कम, और उसको अस्थमा अस्थमेटिक वगैरह नहीं हो, ब्लड प्रेशर नहीं हो, और ये क्या बोलते हैं कि और कोई इस तरह का समस्या नहीं हो जिससे उसको ऑक्सीजन की जब कमी महसूस हो तो उसको दूसरा समस्या पैदा हो जाए, दूसरी बीमारी पैदा हो जाए या उसको हार्ट या दूसरे कोई प्रॉब्लम पैदा शुरू हो जाए, ना हो जाए। जाते वक्त ये बताया गया था कि आप कम से कम कपड़े और सामान लेकर जाइए और रेनकोट जरूर लेकर जाइए, बारिश कभी भी हो जाती है, बारिश का कोई मतलब ये नहीं है, कभी भी बारिश भी हो सकती है। और सर्दी चूँकि लगती है तो विंटर क्लोथिंग को लेकर जाना था और जूते नॉर्मल जूते पहन के नहीं जाना हो बोल रहे तो वहाँ
उस जूते को पहन के जाना था जिसके सोल में ग्रिप हो। सोल में ग्रिप मतलब वो फिसले नहीं, मतलब ग्रिप हो, मतलब फिसले नहीं, कहीं कहीं पहाड़ है कहीं फिसलन भरा, तो पकड़ने के लिए कुछ होता है ना साइड में। हाँ, हाँ, रेलिंग डंडे लेकर तो जाना है, मतलब रेलिंग, कोई रेलिंग वगैरह उस वक्त नहीं था। अच्छा, हाथ में एक डंडा जरूर चाहिए होता है, तीसरा सपोर्ट, दो पैर पर तो चलते ही, ताकि कहीं जरूरत हो तो आदमी कंट्रोल कर सके। कहीं कहीं काफ़ी गहरी खाई में उतर के फिर ऊपर चढ़ना होता, तो इस तरह का रास्ता भी उस वक्त उबर खबर था और रास्ता बना हुआ नहीं था, उस वक्त रास्ता पथरीला था, फिसलन भरा था कहीं कहीं, और कहीं कहीं बर्फ पर चलना पड़ता था, मतलब बहुत दिक्कत कठिन वाला रास्ता था। और यात्रा कर ली तो लाइफ में कुछ अचीव कर लिया। और फिर ये भी था कि वहाँ रुकना भी नहीं है, रात में रात तक लौट आना है, तो हम लोग सुबह 4 बजे स्टार्ट कर दिए थे और लगभग 10 बजे 11 बजे तक पहुँच गए थे। वहाँ दर्शन वगैरह करने के बाद थोड़ा विश्राम करके और खाना वाना खा करके रात फिर वहाँ से पैदल चले 5-6 घंटे में उतर के, फिर रात 10 बजे के आसपास हम लोग बेस कैंप में वापस आ गए। तो दोस्तों ये बहुत ही कठिन यात्रा है, आज के युवा लोग मेरे जैसे ये भी यात्रा नहीं कर पाएंगे, फिटनेस टेस्ट जो है देना पड़ेगा, मोटापे का टेस्ट देना पड़ेगा, बहुत सारे टेस्ट हैं, पास करेंगे उसके बाद जो है इतने दुर्गम मार्ग पे जो है कैसे जा पाएंगे। जब भी मामा के यहाँ आते हैं तो मम्मी का फेवरेट डिश जो है मामा ले आते हैं मछली, मछली ये देखें मम्मी खा रही हैं, जब मम्मी मछली की बहुत बड़ी फैन है इसी के लिए वो नई डेस्टिनेशन करोड़ रही हैं, वहाँ पर मछली खाएंगी। लोग तो मैं तो शाकाहारी हूँ, मैं शाकाहारी हूँ, मैं तो सब्जी खाता हूँ। तब भी तो फैल गए हो शाकाहारी, शाकाहारी फैलो। अब सोच रहे हैं कि नॉनवेज शुरू करो। दोस्तों आप ही बताइए, आधी शाकाहारी होता है कि मांसाहारी, भैंस शाकाहारी होता है मांसाहारी, गाय बैल कुछ भी, तो मतलब जो भी आप बड़े जानवर उठा लीजिए सब शाकाहारी होते हैं। तो तुम भैंस हो क्या? हाँ थी, अब तो किसी से भी उपमा दी जा सकते हैं, उपमा भी खाओ। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल सुबह हम लोगों की फ़्लाइट है, कहाँ की फ़्लाइट है ये जानने के लिए आप अगला वीडियो ज़रूर देखें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।